तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे जाके मैं सामान वगैरह ले आऊंगी और साथ में सैनिटाइजर क्योंकि सैनिटाइजर मेरे पास छोटे छोटे डेटॉल वाले वो बॉटल्स तो थे लेकिन बड़ा गुड क्वान्टिटी में मेरे पास नहीं था मैंने ऑनलाइन वगैरह भी सर्च किया क्योंकि तब तक सर्विसेज ही अलाउड थे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था फिर मैं मेडिकल स्टोर वगैरह पे भी गई वहां से भी सारी चीजें खत्म हो चुकी थी ना ही सैनिटाइजर था ना ही रबिंग एल्कोहल था एक ही शॉप थी जहाँ पे ये पर्टिकुलर हैंड सैनिटाइजर मुझे मिला था और ये 500 ml का है एंड इसका चार्ज उन्होंने 645 फोर्टी फाइव मुझसे किया था एंड आई वॉज शॉक बट मुझे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उस वक्त इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी कि आपको जो भी मिल रहा है आप चलो ठीक है ले लिया मैंने वो करके तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे बहुत ही कम इसमें बचा हुआ है और ये अब लगभग खत्म होने वाला है क्योंकि जितनी भी बाहर से चीज़ें आती हैं लाइक जो भी कुरियर वगैरह आती हैं जो भी पैकेट्स वगैरह आते हैं या घर की घर से नॉर्मल हम दूध का पैकेट भी लेने जाते हैं ना तो भी सैनिटाइज करते हैं सो अगर मैं बात करूँ तो सैनिटाइजेशन का जितना भी अगर हम यू नो एक्टिविटी वाइज अगर हम देखें तो सैनिटाइजेशन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है अब डे टू डे लाइफ में अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह के लिए तो हम लोग यू uh, नो you know, uh, वो यूज करते ही है जो लाइजॉल वगैरह है तो सरफेस वो है डिस वगैरह हैं तो उसके लिए तो यूज करते है, हैं बट हैंड वगैरह सैनिटाइज करने के लिए इस वक्त ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम या तो मार्केट से लें या फिर हम खुद से घर पे बना लें घर पे बनाने के लिए मैंने इस बार क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे बिल्कुल भी अब इतना एक्सपेंसिव सैनिटाइजर नहीं लेना है मार्केट में बहुत सी वीडियोज ऐसी आ चुकी है जो घर पे आप घर पे बैठ के सैनिटाइजर बना सकते हैं लेकिन उसके लिए भी आपको रबिंग एल्कोहल की जरूरत Like, uh, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास होना ही होना चाहिए तो इसलिए फिर मैंने एमेजोन से जब ये ऑनलाइन सर्विसेज uh, अब स्टार्ट हो गई तो मैंने रबिंग एल्कोहल का ऑर्डर करा है और अब जाके मैं फाइनली सैनिटाइजर घर पे बनाऊंगी और एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा मुझे बिकॉज आई एम श्योर अगर आप भी घर पे यूज़ करते हैं और घर पे बनाते हैं ना सैनिटाइजर बल्क में भी तो भी आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा जितना नॉर्मल मार्केट में इस वक्त पड़ रहा है सो so, सबसे पहले यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी प्रोसीजर कि कैसे बनाते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सबसे पहला तो आपको रबिंग अल्कोहल मार्केट में अगर आपको नहीं मिलता है तो अब ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो गई आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है रबिंग अल्कोहल और बहुत ही डिसेंट प्राइस पे मुझे मिल गया था लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैंशन कर दूँगी इनकेस अगर आपको चाहिए हो सेम वैसा ही जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो रबिंग एल्कोहल के अलावा जो सेकेंड प्रोडक्ट मैं यूज करूँगी वो है एलोवेरा जेल आप नॉर्मल कोई भी एलोवेरा जेल अगर आपके यू नो प्लांट वगैरह है तो आप उसको पील ऑफ करके उसका जो जेल है वो आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास प्लांट नहीं है Uh, कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे वाओ का एलोवेरा जेल यूज करूंगी बिकॉज इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं और ये लोग ऐसा कहते हैं कि यू uh, नो you know, इसके रिव्यूज इतने अच्छे हैं लोग कहते हैं कि ये एक एकदम इक्विवेलेंट है देन द ओरिजिनल वन इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट वगैरह नहीं है एक्सेप्ट द प्रिजर्वेटिव जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली प्रिजर्व करने के लिए है वो यूज़ किया हुआ है अदरवाइज दिस इज़ वेरी प्योर और बहुत ही किसी तरह का कोई भी इसमें पैराबेन पैराबिन के, केमिकल वगैरह नहीं है जिसकी वजह से ये हार्मफुल हो कुछ भी ऐसा नहीं है प्लस अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि ये एलोवेरा प्योर है तो इसकी जो सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर मैं आपको एलोवेरा दिखाऊं तो यहाँ एलोवेरा इसका प्योर जैसा आपको नॉर्मल आप से जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो प्योर ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है वैसा ही यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आपको दिखेगा जनरली आप कोई और अगर आप एलोवेरा जेल की बात करो तो मेरे पास और भी एलोवेरा जेल्स रखे हुए हैं बट वो ग्रीन कलर का एक यू नो रहता आई डों बट अगर मैं बात करूं वाओ की तो वाकई में जेन्यन मुझे लगता है और मैंने काफी हद तक इसको यूज भी कर लिया आपने अगर मेरा हेयर केयर रूटीन वाला वीडियो देखा होगा हेयर मास्क वगैरह मैंने आपसे शेयर करा था उसमें भी मैंने ये इसी सेम एलोवेरा जेल का यूज किया था अपने हेयर मास्क में सो दिस इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल इट डेव एनील जो आपको हार्म you know, करे आपके बॉडी uh, को हार्म करे वैसा कुछ भी नहीं है इसमें सो थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं यूज करूंगी एज प्रिजर्वेटिव वो है विटामिन ई विटामिन ई इज ऑप्शनल अगर आप जूस नॉर्मली एलोवेरा प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हो तब आपको प्रिजर्वेटिव तो बिल्कुल चाहिए विटामिन ई e की लेकिन मैंने यहाँ पे आ, यू नो जो एक, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरह पे विटामिन ई e कैप्सूल का यूज किया है और इसके अलावा जो फाइनल स्टेप है एक फ्रेगनेंस के लिए अच्छी खुशबू आए सैनिटाइजर से सो इसलिए मैंने यहाँ पे टी ट्री ऑयल का यूज़ किया है आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं पेपरमेंट ऑयल यूज कर सकते हैं जो भी आपको फ्रेगनेंस बेसिकली पसंद है आप यूज कर सकते हैं सो गाइज आप इस इसको अच्छे किसी कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हैं मैं यहाँ पे जो कंटेनर यूज़ करूँगी वो ऑलरेडी जो मैंने आपको कंटेनर दिखाया जिसमें अब हैंड सैनिटाइज़र ख़त्म हो चुका है मैं उसको अच्छे से वॉश करके ही प्रिजर्व इसी सेम उसमें कंटेनर में प्रिजर्व करूंगी और आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको रख सकते हैं सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू तो गिव इट अ बिग फैक्ट थम्स अप आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग